हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गीता और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे कढ़ी एकदम राजस्थानी स्टाइल में। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में तो लाजवाब होती है, साथ ही सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होती है। तो चलिए बिना समय वेट करते हुए इसकी सामग्री की ओर ध्यान देते हैं। फ्रेंड्स, कढ़ी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देखते हैं। ये मैंने लिए आधा लीटर छाछ, आप छाछ की जगह दही भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने खट्टी वाली छाछ ली है। दो मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज, ये मैंने लिया बेसन, दो से तीन चम्मच छोटे चम्मच बेसन लिया मैंने, तीन से चार हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और ये मैंने लिए थोड़ी सी सरसों, आखे धनिए, जीरा, चुटकी भर हींग, थोड़े से कड़ी पत्ते और कसूरी मेथी, ये हमने लिए थोड़े से हरे धनिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं कढ़ी बनाना। थोड़ा सा बड़ा बर्तन ले लेते हैं, उसमें डाल देते हैं ये छाछ ताकि बेसन है जो हमारा अच्छे से घुल जाए। इसमें डाल देते हम दो से तीन चम्मच बेसन और एक घोटनी की सहायता से इसको अच्छे से घोट लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। इस तरह से बेसन हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसमें डाल देते हम हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाला हमने, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स इसको हमने अच्छे से मिला लिया है, अब इसको हम साइड में रख देते हैं और कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक कढ़ाई ले ली है और जो बेसन का घोल था उसको हमने कढ़ाई में डाल लिया है। अब इसको अच्छे से मीडियम आंच पे चलाते हुए इस तरह से पकानी है इसको, इसको छोड़ना नहीं बीच में, इस तरह से बस चलाते हुए अच्छे से उबलने तक पकाना है इसे ताकि ये अच्छे से पक जाए। इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, खड़ी को हमने कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम आंच पे चला लिया है, देखिए इस तरह से, और खड़ी में एक अच्छा सा उबाल भी आ गया है, देख सकते हैं आप। ये इसका मतलब खड़ी हमारी अच्छे से पक गई है। तो इसको हम दूसरी साइड रख देते हैं और इस तरह हम एक तड़का पैन ले लेते हैं और तड़का तैयार कर लेते हैं खट्टी के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने एक तड़का पैन ले लिया है, उसमें हमने 2 छोटे चम्मच तेल डाल दिया है, तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें डाल देते हैं हम जीरा, जीरे को थोड़ा सा तड़कने देंगे, साथ ही डाल देते हैं सरसों, इसी में डाल देते हैं साबुत धनिया, डाल देते हैं इसी में डाल देते हैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट, सबको अच्छे से भून लेंगे। लहसुन और अदरक थोड़े से भून गए हैं तो इसी में डाल देते हैं कटोर प्याज, इनको भी अच्छे से भून लेंगे इसके साथ। दो से तीन मिनट के लिए मीडियम आंच पर प्याज को अच्छे से भून लेंगे। प्याज को हमने अच्छे से भून लिया है तो इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च, इसको भी अच्छे से चला लेते हैं इसके साथ। इसमें डाल देते हैं थोड़े से कड़ी पत्ते, तो यूज कर लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं कुछ सूखा मसाला, छोटे चम्मच डाल देते हैं हम लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच डाल देते हैं नमक, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
सारे मसाले को हमने अच्छे से पका लिया है, तो इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी। इससे इसका टेस्ट और खुशबू दोनों ही बहुत अच्छी आएगी। तो भी मिक्स कर लेते हैं। सारा मसाला बनके हमारा एकदम तैयार है। तो गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और सारे मसाले को हम खड्डी के साथ मिक्स कर लेंगे। सारा मसाला है जो खड्डी में डाल देंगे और इसको हम खड्डी के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, सारा मसाला मिक्स करने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट और पका लिया है और खड्डी हमारी बनके तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी खड्डी बनी है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। देखिए, तो अब गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और खड्डी को सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, खड्डी को हमने एक बाउल में सर्व कर लिया है। बहुत ही टेस्टी खड्डी बनके तैयार हुई है हमारी और बहुत ही कम समय लगा इसको बनाने में। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।